केंद्रीय कैबिनेट ने कल नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है और अब ये नई शिक्षा नीति आम जनजीवन में आ चुकी है, लागू हो चुकी है। इस नई शिक्षा नीति का जो उद्देश्य रखा गया है, क्या ये अपने उद्देश्य में पूरा हो पाएगी? इस शिक्षा नीति में कई ऐसे पहलू भी हैं जो कि बड़े क्रांतिकारी बदलाव लाने की तरफ इशारा कर रहे हैं, जिसमें उनका प्रावधान किया गया है। स्कूली शिक्षा की अगर बात करें तो 5वीं तक की शिक्षा में जहां क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाई लिखाई पर जोर दिया गया है, वहीं दूसरी ओर हायर एजुकेशन में भी कई तरह के बदलाव किए गए हैं। आखिर इस शिक्षा नीति को लेकर लंबे समय से स्कूलों में काम कर रहे और स्कूल ऑपरेशन में लगे रहे एसके भट्टाचार्य जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि तकरीबन 60 साल से स्कूल ऑपरेशंस में जुड़े हुए हैं और दिल्ली में जो मौजूदा समय में एक्शन कमेटी है, स्कूल एक्शन कमेटी है, जितनी भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उन सभी की जो एक तरह से बॉडी है, उसके प्रेसिडेंट भी हैं। उनसे बात करते हैं कि आखिर शिक्षा नीति को लेकर वो क्या सोच रहे हैं, क्या ये शिक्षा नीति वास्तव में ज़मीन पर कारगर साबित हो पाएगी या नहीं। सर, टोटल टीवी में आपका स्वागत है। आप कैसे देख रहे हैं NEP 2020 को? पहली बात तो अगर आप NEP 2020 को गहराई से पढ़ें तो सबसे बड़ी बात तो जो मुझे समझ में आई है कि मूल उद्देश्य NEP 2020 की यह है कि हमारे शिक्षा व्यवस्था जो कि 75 साल 74 साल पुरानी है, आज़ादी के बाद से जो शिक्षा पद्धति हमारे देश में चल रही है उसमें कोई विशेष रूप में गुणात्मक क्वालिटी एजुकेशन पर कोई खास इम्प्रूवमेंट नहीं आई है। जहाँ तक कि हमारे लिटरेसी की बात आती है, ये मानकर चलना पड़ेगा कि हमारे देश में इस समय हम लिटरेसी 100% लिटरेसी की ओर बढ़ रहे हैं और उम्मीद ये है कि कुछ ही सालों में 10 और 15 सालों में हम 100% लिटरेसी हम उसे उपलब्ध कर पाएंगे भी। लेकिन जो बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लिटरेसी क्या है, एजुकेशन क्या है, कि केवल मात्रा आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, क्या वो काफ़ी है, क्या आपके पास स्किल है या नहीं है, क्या आपके पास आप जो एजुकेशन ले रहे हैं क्या वो समाज के लिए, देश के लिए, हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था के लिए वो सूटेबल है या नहीं है। इन सारी बातों को विचार करते हुए NEP 2019 की जो खास इम्फेसिस है वो ये है क्वालिटी एजुकेशन पर, किस प्रकार से स्कूली शिक्षा के स्तर को बढ़ाया जाए इस पर वो जोर दे रहे हैं। अभी तक जो हमारे शिक्षा व्यवस्था में अभी पढ़ो, याद करो और उसके बाद परीक्षा दो और परीक्षा उत्तीर्ण हो, सर्टिफिकेट पाओ, यही अब तक चल रहा है। थोड़ा सा इसकी प्रोसेस पर बात करते हैं। सबसे पहले जो मोटी तौर पर स्कूली एजुकेशन में हमको बड़ा बदलाव नज़र आ रहा है, एक तरह से क्रांतिकारी बदलाव नज़र आ रहा है, वो ये है कि अब 5वीं तक की जो पढ़ाई है वो रीजनल लैंग्वेजेस या फिर मदर टंग जो कि हमारी मातृभाषा है उसमें कराई जाएगी। मकसद ये है कि बच्चा ठीक से समझ सके, बच्चा अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में भी आगे बढ़े और उसके अंदर जो भी कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट होना है पढ़ाई का वो ठीक तरह से आगे हो। क्या आपको लगता है कि ये ज़मीन पर सही तरीके से उतर पाएगा और ये संभव है? जो फंडामेंटली मैं इसे बिल्कुल अग्री करता हूँ। सारी दुनिया में जितने विकासशील देश हैं और विकसित देश हैं, जब वो जापान ले लीजिए, फ्रांस ले लीजिए, जर्मनी ले लीजिए, चाइना ले लीजिए, वहाँ पर उनके एजुकेशन के माध्यम उनकी भाषा है। हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली अभी तक हम अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यद्यपि हमारे देश में जो सरकारी स्कूल हैं और गैर सरकारी स्कूल में हैं वहाँ पर शिक्षा के माध्यम या तो रीजनल लैंग्वेज है या हिंदी भाषा है। बहुत से ऐसे स्कूल हमारे देश में हैं जहाँ अंग्रेजी के माध्यम से ही पहले से पढ़ाई जाती है। मैं तो इसके पक्ष में हूँ कि जो एक मातृभाषा के माध्यम से अगर बच्चों को पढ़ाया जाए तो उनके जो कंसेप्ट डेवलपमेंट होगी, फंडामेंटल्स उनको समझ में आएगा, सो वो याद नहीं करेंगे, वो समझने की कोशिश करेंगे। वहाँ पर जब बच्चे जो हर चीज़ को क्रिटिकली सोचने की कोशिश करेंगे, ये शिक्षा व्यवस्था में बहुत ही आवश्यक है। लेकिन इसके साथ साथ ये एक रेडिकल चेंज संभव नहीं है।
रेडिकल चेंज संभव इसलिए नहीं है कि अगर आप उम्मीद करें कि एक साल में दो साल में जिन बच्चों को अब अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई जा रही थी, जो हज़ारों स्कूल देश में हैं, वो अब सारे हिंदी मीडियम स्कूल में कन्वर्ट हो जाएं या वो रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाना शुरू करें, संभव नहीं है। इसीलिए NEP 2020 में इसके लिए एक प्रावधान रखी गई है कि आप कोशिश करिए, लेकिन इंग्लिश मीडियम भी अब हमारे साथ है NEP में, इसमें कोई मना नहीं है। NEP भी ये कह रही है कि ऑप्शनल है, कोशिश करिए कि आप अपनी मातृभाषा में पढ़ाने की कोशिश करिए, लेकिन अंग्रेजी भी पढ़ा सकते हैं। मैं तो इस बात को बहुत ज़्यादा मानकर चलता हूँ कि अगर हम 5 साल और 7 साल में सारे स्कूल अगर अपनी ये मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाएं या रीजनल लैंग्वेज के माध्यम से पढ़ाएं, तो हमारी शिक्षा व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी उपलब्धि होगी। अभी तक हम लोग देख रहे थे कि 10+2 जैसा सिस्टम होता था, लेकिन अब सरकार ने 5+3+3+4 वाला सिस्टम लाई है। तो क्या आपको लगता है कि ये फाउंडेशन प्रिपेटरी जिस तरीके से सरकार सोच रही है शिक्षा नीति के जरिए, क्या ये सही सोच है? अगर इस बात को आप ये कहें कि 3-4 साल के जगह 5 साल कर दिया गया है, पहले हमारी प्री स्कूल होती थी, उसके बाद प्राइमरी एजुकेशन शुरू होता था, अब उन्होंने कहा 5 साल की फाउंडेशन होगी। 5 साल के फाउंडेशन में 3 साल तो आपके प्री स्कूल में चलेगी, बाकी 2 साल आपके फाउंडेशन स्टेज में आ जाए, क्लास 1 और 2 भी फाउंडेशन में ही आ जाएगी। देखिए, फाउंडेशन का अर्थ क्या है कि बच्चों को अगर अर्ली स्टेज में उनके कंसेप्ट डेवलपमेंट में जोर दी जाए और उसे भाषा सिखाया जाए और भाषा को ही मेन उस पर रखे जाए, साथ साथ बच्चों को एक होलिस्टिक एजुकेशन देने की कोशिश करें, उनकी खेल के माध्यम से, एक्टिविटीज़ के माध्यम से उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको अगर आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो आगे जाकर बच्चे के जो एजुकेशन है वो बहुत सरल हो जाता है और अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन जो हम चाहते हैं बच्चों में लाना, वो और सहज हो जाएगा और हमारी शिक्षा व्यवस्था में जो कमी है वो कई हद तक उसको दूर कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि फाउंडेशन स्टेज में जिस प्रकार के करिकुलम की आवश्यकता है, जिस प्रकार की टीचर की आवश्यकता है, जब तक ना टीचर एजुकेशन पे जोर नहीं देते हैं, जब तक ना आप टेक्नोलॉजी को जोर नहीं देते हैं, जब तक करिकुलम को आप जब तक सही ढंग नहीं बनाते हैं, तो ये फंडामेंटल जो एजुकेशन की बात फाउंडेशन स्टेज की बात करें, उसे अचीव करना काफ़ी कठिन होगा। लेकिन ये आइडिया बहुत सुंदर है, इसमें स्वागत करता हूँ, लेकिन इसके लिए काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है, ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ओरिएंटेशन की ज़रूरत है, करिकुलम रिकंस्ट्रक्शन की आवश्यकता है, ये सारी चीज़ों पर जोर देने की आवश्यकता है और काफ़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी को हमें साथ लाना पड़ेगा, बिना टेक्नोलॉजी के हम एजुकेशन में सुधार नहीं ला सकते हैं। लेकिन सर, हम लोग आज तक देखते हैं कि आज जो भी माता पिता विशेष तौर पर जो शहरों में रहते हैं, उनमें हमने देखा है कि अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाने को लेके हम लोग बड़े जिज्ञासु भी रहते हैं और एक हमारे ऊपर एक मॉरल प्रेशर भी होता है स्कूल का कि आपके बच्चे को बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। अभी तक हम इस माहौल में थे, लेकिन क्या अब रातों रात ये चेंज हो जाएगा? आपने बिल्कुल सही कहा कि रातों रात चेंज करना बिल्कुल नामुमकिन है, माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। जब तक लोगों के माइंड सेट चेंज नहीं करेंगे, अगर वो समझते हैं कि हिंदी माध्यम मीडियम माध्यम है इन्फीरियर एजुकेशन और अगर मातृभाषा के माध्यम से पढ़ने का मतलब है इन्फीरियर एजुकेशन, ये अगर माइंड सेट बनी रहेगी लोगों में, तब तो परिवर्तन लाना बहुत कठिन है। लेकिन ये एक प्रकार की एक रेवोल्यूशन है और ये रेवोल्यूशन जो है, इसको एवोल्यूशन कहिए, रेवोल्यूशन कहिए, ये परिवर्तन तो आने वाला है। मैं एक बताऊँ, ये कब तक चलाएंगे आप इस प्रकार की, कब तक ये मानसिकता चलती रहेगी कि अंग्रेजी माध्यम के वहीं वही सुपीरियर स्कूल है और हिंदी माध्यम के स्कूल वाले इन्फीरियर हैं? ये जो एक माइंडसेट है, इसको चेंज करने की बहुत आवश्यकता है और जिसके लिए सिर्फ जनता ही नहीं, सरकार को भी अपने पॉलिसी में चेंज लानी पड़ेगी। जब आप जाते हैं सरकारी ऑफिस में, कभी नौकरी के लिए, कभी मल्टीनेशनल कंपनी के लिए, बैंक की नौकरी के लिए, इंश्योरेंस के नौकरी के लिए, चार्टर्ड अकाउंट बनने के लिए, वहाँ पर
हमें ये लगता है कि बिना अंग्रेजी जाने हम उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन में जा नहीं सकते। जब तक ना हमारे सारी ये परिवर्तन नहीं आती हैं, माइंड सेट में चेंजेस नहीं आती हैं, पॉलिसी से भी स्कूल एजुकेशन और कॉलेज एजुकेशन तक काफ़ी नहीं है, ये सारे समाज में एक रेवोल्यूशन लाने की ज़रूरत है। सब लोगों को लगे कि हिंदी माध्यम से पढ़ने पर भी मैं IAS बन सकता हूँ, मैं इंडस्ट्रीज बन सकता हूँ, मैं हाईएस्ट लेवल में पहुँच सकता हूँ। ये बात जो है लोगों को समझना बहुत इसके लिए आवश्यक है, माइंड सेट चेंज करनी बहुत आवश्यकता है। एक सवाल और, इस एजुकेशन पॉलिसी में ये भी कहा गया है कि स्किल डेवलपमेंट को लेकर काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है, वोकेशनल कोर्सेज को लेकर बढ़ावा दिया गया है। कहा गया है कि क्लास 6 से ही अगर बच्चा चाहे तो वो अपनी पसंदीदा स्किल को लेकर इंटर्नशिप कर सकता है, और जब वो स्कूल से बाहर निकलेगा 12वीं करने के बाद तो वो केवल पढ़ाई करके नहीं निकलेगा बल्कि उसके पास एक स्किल का भी वो होगा जिसके जरिए वो पहचाना जाएगा कि आखिर इसकी सबसे बेहतरीन स्किल क्या है। तो ये जो चीज़ है इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये बात बहुत पुरानी बात है, महात्मा गांधी ने भी बुनियादी शिक्षा में यही बात कही थी कि सब बच्चों को क्राफ्ट सिखाया जाए। एजुकेशन में क्राफ्ट जो है हाथ से काम करना ये बहुत आवश्यक है। स्किल डेवलपमेंट जो है एजुकेशन का एक इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए, और मैं इसको मानकर चलता हूँ कि बिना स्किल के सिर्फ एक नॉलेज से नहीं चलता। नॉलेज को आप कहाँ तक अप्लाई कर सकते हैं, क्या आप किसी इंडस्ट्री के लिए फिट है या नहीं है, क्या आप इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, ये सारी बातें भी बहुत ही आवश्यक है। लेकिन एक चीज़ जो हमारे देश में कमी है कि जो एक डिग्निटी ऑफ लेबर हमारे देश में अभी तक नहीं आई है। क्या काम करते हो भाई? मैं मोटर मैकेनिक। ओ, मोटर मैकेनिक हो? ये जब तक ना आप इसकी डिग्निटी ऑफ लेबर को जब तक ना आप उसको रेस्पेक्ट नहीं देंगे, जब तक नहीं पहचानेंगे, तो लोग कतराएंगे, लोग थोड़ा क्या कहें हिचकिचाएंगे, और वोकेशनल एजुकेशन तभी वो जाएंगे जब उनको लगे उनका भविष्य है और उसके रिकग्निशन है, उनकी सुविधाएं हैं, समाज उसको स्वीकृति दे रही है, तभी जाकर वोकेशनल एजुकेशन सक्सेसफुल हो सकती है। वोकेशनल एजुकेशन पर काम हम बहुत दिनों से कर रहे हैं, लेकिन वोकेशनल एजुकेशन बहुत लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पा रही है क्योंकि एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, उसकी सेल्फ डिग्निटी नहीं है, डिग्निटी ऑफ लेबर नहीं है। इन सारी बातों को सोचना पड़ेगा। स्किल एजुकेशन बहुत आवश्यक है, इस सारे लोग इसको मानकर चलते हैं, लेकिन इसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करें, ये एक इसके लिए एक पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है जिसमें समाज में उनको स्वीकृति मिले, उनको एक रिकग्निशन मिले, एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े। अगर वो खुद काम करना चाहता है उसके लिए लोन की आवश्यकता है, वो अपनी इंडस्ट्री खुद बनाए, वो अपना खुद एक व्यवसाय करे, ये सारी बातें जो है हॉलिस्टिकली सोचने की आवश्यकता है, तभी जाकर स्किल डेवलपमेंट और स्किल एजुकेशन के बारे में जो बात करें वो सक्सेसफुल होगी। 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे इस एजुकेशन पॉलिसी? देखिए, अगर पढ़ के देखें एज ए डॉक्यूमेंट, इसको मैं 10 में 10 दूंगा। लेकिन अगर सिर्फ डॉक्यूमेंट की बात होती है, इसके पहले भी बहुत अच्छे अच्छे एजुकेशन पॉलिसी पर डॉक्यूमेंट आए, लेकिन हम उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। अगर जब तक इम्प्लीमेंट करने के बाद जब तक उसको सीरियसली नहीं लेते हैं, जब आप उस पर इन्वेस्टमेंट नहीं लेते हैं, जब आप तक प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिव नहीं देते हैं, तो इसे अचीव करना संभव नहीं है। ये काम सिर्फ सरकार के नहीं है। आज के एजुकेशन सिस्टम को आप देखिए कि 50% इन्वेस्टमेंट आपके प्राइवेट सेक्टर से जाती है। इसके रिकग्निशन आप करिए, इसके स्वीकृति आपको देना आवश्यक है, इसको इनकरेजमेंट देना बहुत ही ज़रूरी है, तभी जाकर दोनों मिलकर काम करें, तभी जाकर ये जो हमारी पॉलिसी है NAP 2020, इसे हम सक्सेसफुल कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो प्रावधान बहुत अच्छे हैं इस राष्ट्र जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट को लेकर बातें कही गई हैं, लेकिन सवाल यही है कि आखिर ये पूरी जो शिक्षा नीति है क्या ये ज़मीन पर जस की तस उतर पाएगी? क्योंकि अभी इस शिक्षा नीति को ज़मीन तक आने में भी एक लंबा संघर्ष करना है, और उसके बाद इस पूरे मसले को लेकर सरकार को भी केवल और केवल ज़मीन पर और स्कूलों या कॉलेज में ही काम नहीं करना है बल्कि विचारधारा के परिवर्तन का भी काम करना है।
कैमरा पर्सन मनोज कोहरी के साथ ललित नारायण खांडपाल, टोटल न्यूज़ दिल्ली।